चीन के सबसे बड़े रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B का हिस्सा आखिरकार हिंद महासागर में गिर ही गया। रॉकेट का ज्यादातर हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने के समय ही नष्ट हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रॉकेट मालदीव आइलैंड समूह के पश्चिम में गिरा है। चीन ने 29 अप्रैल को रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया था। ये रॉकेट चीन के नए स्पेस स्टेशन के हिस्से को लेकर अंतरिक्ष में गया था, लेकिन खुद भी एक ऑर्बिट में प्रवेश कर गया था, जिसके बाद ये अनियंत्रित होकर पृथ्वी की तरफ आ रहा था। चीनी मीडिया के मुताबिक रॉकेट 10:24 पर बीजिंग के समय के अनुसार वायुमंडल में घुसा था। इस घटना की कई दिनों से सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा चल रही थी, क्योंकि रॉकेट अनियंत्रित होकर दोबारा पृथ्वी पर गिर रहा था, तो किसी को अनुमान नहीं था कि ये कहां पर लैंड करेगा।